दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि टाटा मोटर्स एक बहुत ही बढ़िया कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो इसी बीच टाटा की तरफ से हमें कोई भी मिड साइज एसयूवी नहीं देखने को मिलती है और इंडिया में मिड साइज एसयूवी का क्रेज काफी ज्यादा देखने को मिलता है। तो टाटा मोटर्स ने टाटा कार्स लवर्स को ध्यान में रखते हुए एक नई मिड साइज एसयूवी पर काम कर रहा है। तो उस एसयूवी का इंडियन मार्केट में क्या नाम होगा, क्या प्राइस के साथ लॉन्च किया जाएगा और क्या कोड नेम होने वाला है, तो हम सारी बात करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप टाटा कंपनी की कोई भी कार लेने की प्लानिंग कर रहे हैं या आप टाटा लवर्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा। तो उससे पहले, कैसे हो आप लोग? आप लोगों को मेरा नमस्कार, सलाम और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट कार रिव्यू में। दोस्तों, जहां आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टाटा मोटर्स के तरफ से आने वाली एक नई प्रीमियम एसयूवी टाटा ब्लैकबर्ड एसयूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि कुछ लीक और अपडेट से पता चला है कि रतन टाटा एक नई एसयूवी कार को लॉन्च करने की प्लानिंग में है, जिसको कि 2022 के अगस्त या फिर अक्टूबर के महीने में लॉन्च किया जाएगा, जिसका कोड नेम H4 होगा। तो वहीं दोस्तों, टाटा की कुछ कार के बारे में जाने तो टाटा की जो टाटा नेक्सॉन है वो आती है एक कॉम्पैक्ट एसयूवी में, और उसके बाद आती है टाटा हैरियर और टाटा सफारी, जो कि 20 से 23 लाख रुपए के रेंज में आती है। तो यहाँ पर टाटा की ऐसी एक भी कार नहीं है जो किया सेल्टस और हुंडई करेटा को कड़ी टक्कर दिया जाए, और इन दोनों एसयूवी का क्रेज इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है और चलान भी इन दोनों एसयूवी का ज़्यादा है, और इन दोनों एसयूवी की बुकिंग टाइम कम से कम 6 से 7 महीने तक का है। तो यहाँ पर साफ साफ कंफर्म होता है कि टाटा हैरियर एक बड़ी एसयूवी है और टाटा नेक्सॉन एक कॉम्पैक्ट साइज एसयूवी है। तो टाटा मोटर्स के तरफ से एक भी ऐसी कार नहीं है जो 12 से 14 लाख रुपए में मिड साइज एसयूवी मिले। तो अब टाटा मोटर्स एक नई ब्यूटीफुल एसयूवी को जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च करेगी। तो दोस्तों, ये जो टाटा की अपकमिंग ब्लैकबर्ड एसयूवी है, इसके हम 5 पॉइंट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले, इसके एक्सटीरियर कैसा होने वाला है, इसका इंटीरियर का डिजाइन कैसा होगा और इसके सेफ्टी पावर में क्या होने वाले हैं, इसके इंजन में क्या क्या देखने को मिलेगा और सबसे बढ़िया बात, इसमें लुक्स में क्या क्या देखने को मिलने वाला है, तो उन सारी बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना ताकि आपसे अपकमिंग टाटा ब्लैकबर्ड से जुड़ी तमाम अपडेट आपसे मिस ना हो। और आपको कोई भी स्मार्ट कार की रिव्यू चाहिए तो सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल स्मार्ट कार रिव्यू को। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना। तो दोस्तों, इंडियन मार्केट के अंदर मिड साइज एसयूवी का क्रेज काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, और मिड साइज एसयूवी के अंदर आती है हुंडई करेटा और किया सेल्टस। इन दोनों एसयूवी का चलान इंडिया में काफी ज्यादा है। तो अगर आप टाटा की मिड साइज एसयूवी खरीदना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि 2022 के दौरान आप टाटा की मिड साइज एसयूवी को बाय कर सकते हैं। तो वहीं दोस्तों, आज के डेट में टाटा कंपनी के पास दो प्लेटफॉर्म है, पहला है ओमेगा और दूसरा है अल्फा। ओमेगा प्लेटफॉर्म पर टाटा हैरियर और टाटा सफारी को तैयार किया जाता है, और दूसरा है अल्फा प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाता है टाटा ऑल्टोज को। तो वही टाटा मोटर्स की एक और प्लानिंग है कि अब टाटा ब्लैकबर्ड एसयूवी को किसी और प्लेटफॉर्म पर तैयार करके लॉन्च किया जाएगा, यानी टाटा कंपनी ने एक चेरी चाइनीज कंपनी के साथ अपना हाथ मिला लिया है, जिसको कि दोनों कंपनी मिलकर एक नई पावरफुल प्लेटफॉर्म को तैयार करेगी, और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपकमिंग ब्यूटीफुल एसयूवी ब्लैकबर्ड को तैयार किया जाएगा। तो वहीं अब आने वाला समय ही बताएगा कि ये प्लेटफॉर्म कैसा होगा। तो वहीं दोस्तों, अपकमिंग टाटा मिड साइज एसयूवी में बिल्कुल ही एडवांस फीचर लेस होंगे और कुछ ऐसे फीचर्स देखने को मिलेंगे जो फर्स्ट इन सेगमेंट होंगे। तो वहीं दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये अपकमिंग मिड साइज एसयूवी के लुक्स और डिजाइन के बारे में। तो ये एसयूवी बिल्कुल ही बोल्ड क्वालिटी के साथ लेस होगी और एक नए ब्यूटीफुल मस्कुलर लुक के साथ नजर आएगी। तो वहीं फ्रंट में आपको बिल्कुल नया डिजाइन का फ्रंट ग्रिल देखने को मिलेगा, जिसमें आपको टाटा का एक नया लोगो नजर आएगा। साथ ही आपको न्यूली डिजाइन प्रोजेक्टर हेडलैम्प के साथ नया DRL देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ आपको नया बम्पर के साथ फॉग लैंप की नई हाउसिंग देखने को मिलेगी। रियर में आपको नई LED टेल लाइट, टॉप मॉडल में आपको शार्क फिन एंटीना, SUV स्किड प्लेट, फ्रंट एंड रियर में लार्ज पैरोमिक सनरूफ, ORBM टर्न इंडिकेटर, और बताया जा रहा है इसमें आपको ड्यूअल टोन और मोनटोन कलर की ऑप्शन भी देखने को मिलने वाली है। और वहीं टायर के साथ आपको R17 R18 इंच तक के बिल्कुल नए डिजाइन की अलॉय व्हील की ऑप्शन जैसे फीचर्स आपको इसके एक्सटीरियर लुक्स में देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों, ओवरऑल टाटा की अपकमिंग ब्लैकबर्ड एसयूवी इस फीचर्स के साथ इंडियन मार्केट में टॉप सेलिंग एसयूवी होगी,
वहीं अब बात आती है इस कार के इंजन पावर की, तो इसमें आपको 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा जो कि 140 पीएस के करीब पावर जनरेट करता है। साथ ही इस इंजन के साथ आपको एक और पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा जो कि 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन होगा और ये इंजन आपको 120 पीएस के करीब पावर जनरेट करता है। दोस्तों दो पेट्रोल इंजन के साथ आपको इसमें एक डीजल इंजन भी ऑफर किया जाएगा जो कि 1.5 लीटर का टर्बो डीजल इंजन होगा जो कि 120 पीएस के करीब पावर जनरेट करने वाला है। और ये सभी BS6 इंजन आपको 6 स्पीड मैनुअल के साथ, 6 स्पीड की ऑटोमेटिक के साथ DCT गियर बॉक्स के ऑप्शन में देखने को मिलेगी और ये अपकमिंग SUV आपको फ्रंट व्हील ड्राइव के स्टैंडर्ड ऑप्शन में ही नजर आएगी। और इस कार में आपको मल्टी ड्राइविंग मोड के साथ साथ मल्टी ट्रैक्शन मोड की ऑप्शन भी देखने को मिलने वाली है। दोस्तों यही थोड़ा ध्यान दे इसके इंटीरियर की तरफ, तो अपकमिंग टाटा की ब्लैकबर्ड SUV कार के इंटीरियर को काफी ज्यादा प्रीमियम इंटीरियर के साथ बनाया गया है। इसके इंटीरियर फ्रंट में आपको 9 इंच तक की इनपुट टच स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कि कनेक्टिविटी, कन्वीनियंस के एडवांस फीचर, एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले जैसे फीचर्स को सपोर्ट करेगी। साथ ही आपको बिल्कुल नया डिजाइन का न्यूली डिजाइन सॉफ्टवेयर डैशबोर्ड के साथ एक स्टेयरिंग व्हील देखने को मिलेगा जिसमें आपको टाटा का एक नया लोगो नजर आएगा। साथ ही आपको इसके इंटीरियर में पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस मोबाइल फोन चार्जिंग, हीटेड एंड वेंटिलेटेड सीट और इसमें आपको सबसे बढ़िया फीचर, इंडियन कस्टमर फेवरेट फीचर, लार्ज पैरोमिक सनरूफ की ऑप्शन भी देखने को मिलने वाला है। और साथ ही आपको इसमें हाइट एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट की ऑप्शन भी देखने को मिलने वाली है। तो जैसे फीचर्स आपको इसके इंटीरियर लुक्स में देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों यहाँ बात आती है लाइफ इन इम्पोर्टेंट फीचर्स यानी कि सेफ्टी की, तो इसमें आपको सेफ्टी में सबसे पूरे बॉडी में आपको मिल जाता है सबसे पहले हाई स्टेनलेस स्टील बॉडी और टॉप मॉडल में आपको ऑल एयरबैग विद साइड कर्टन एयरबैग, रिवर्स पार्किंग कैमरा, ABS के साथ EBD, हिल लॉन्च असिस्टेंट, चारों टायरों के साथ आपको मिल जाता है डिस्क ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक असेबिलिटी प्रोग्राम, एक्टिव इमरजेंसी ब्रेक, ड्राइविंग अटेंशन वार्निंग सिस्टम, सीट बेल्ट रिमाइंडर विद पेडेस्टनर और साथ ही आपको इसके सेफ्टी में मिल जाता है क्रूज कंट्रोल, हिल लॉन्च असिस्टेंट जैसे फीचर्स आपको इसके सेफ्टी लुक्स में देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों ये फाइनली अब बात आती है इस कार की लॉन्च और प्राइस की, तो जैसा कि आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि इस कार को 2022 के अगस्त या अक्टूबर के महीने में लॉन्च किया जा सकता है। तो वही बात आती है प्राइस की, तो इंडियन मार्केट में इस कार की प्राइस 9 लाख से शुरू होकर 13 लाख तक की आपको देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल स्मार्ट कार रिव्यू पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि आपको ऐसी स्मार्ट कार की वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना।